देश की आजादी के बाद 75 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अगर उपयोग नहीं हुआ तो उसके लिए जवाबदेह कौन है और कौन लोग बीच में मार करके ले गए? बताऊं, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान मैंने लिख दिया है, लेकिन संविधान अगर चलाने वालों की नीयत अगर साफ नहीं होगी तो एक कागज का टुकड़ा होगा। देखिए, जो शोषक रहा है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, उसके जो मुख्य RSS का क्या इतिहास रहा है, वो तो जिस दिन दलितों का जब पैमाना छलकेगा और विस्फोट होगा तो देश को भी तोड़ने से कोई बचा नहीं सकता। मेरे साथ बिहार के कद्दावर नेता और फुले पेरियार अम्बेडकर के अनुयायी श्याम रजक जी हैं। दिल्ली आए थे वो और एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें बहुजनों का बजट, अब तक होता था कि बजट पर बहुजन समाज के लोग बात ही नहीं करते थे, जबकि संविधानिक रूप से SC ST के लिए बजट में सब प्लान है, जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से बजट में एलोकेशन होता है, उसको लेकर उन्होंने एक बड़ी बैठक की है नेकडोर के साथ कि आखिर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो बजट का मामला है, अर्थव्यवस्था का मामला है, वो कैसे दुरुस्त होगा। और दूसरी बात है कि बिहार में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदल रही है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, इस गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल TV अखबार वाले उठा रहे हैं। BJP ने अपनी रणनीति तय कर ली है कि उसकी नज़र पिछड़े और दलित वोटों पर है, तो RJD की क्या कोशिश होगी? सर, कल जो आप लोग का बजट को लेकर प्लान था, पहले तो बहुजन समाज के लोग बजट पर बात ही नहीं करते थे, क्या लगा इस तरह की कोशिश का क्या नतीजा आएगा? देखिए, सब लोग दलित समाज, आदिवासी समाज की वकालत करते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं, और सभी दल इस बात के लिए होड़ लगी है कि सबसे ज़्यादा दलितों के, आदिवासियों के हम ही सबसे बड़े लंबेदार हिमायती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, देश की आज़ादी के बाद 75 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 सालों में दलितों के लिए कई योजनाएं, लगभग 1005 योजनाएं अभी चल रहे हैं और 300 योजनाएं पर तो काम भी शुरू है, लेकिन और सबसे ज़्यादा पैसा वर्तमान सरकार ने भी दिया और पहले भी सरकार ने दिया, अभी 1,41,000 करोड़ रुपया दलितों के लिए, 1,29,000 करोड़ आदिवासियों के लिए दिया गया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इतने के बावजूद दलितों की स्थिति आज भी वही है जो पहले थी या उससे और गिरावट आई है। आज भी दलित शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुपोषण के शिकार, और उनके पास आवास के सवाल पर अगर कहा जाए तो 56% लोग भूमिहीन है, जिनके पास एक रत्ती जमीन भी नहीं है, उसी को भूमिहीन कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति क्यों आई है? कारण है कि आप तो भाषण देते हैं कि इतना रुपया आपने दे दिया, लेकिन उस रुपए का सही रूप से प्रतिपालन हुआ कि नहीं हुआ, उसका उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, अगर उपयोग नहीं हुआ तो उसके लिए जवाबदेह कौन है और कौन लोग बीच में मार करके ले गए, उसके लिए सरकार दोषी है कि नहीं है? हम अपने घर में बजट बनाते हैं तो बजट बना करके के बनाते हैं कि इस कर्म के लिए इतना पैसा, इस कर्म के लिए इतना पैसा, लेकिन उस पैसे का जो वहाँ के मालिक होते हैं, घर का जो मुखिया होता है, उसको देखता भी है कि वो पैसे से हमारे बच्चे को शिक्षा प्राप्त हुई कि नहीं हुई, घरेलू बजट का। तो जो देश का मुखिया है उसको भी देखना चाहिए कि इसका कारण हुआ कि नहीं हुआ, क्या कारण है कि आज तक। तो इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की और कल आप देखें कि देश भर के जो हमारे दलित प्रतिनिधि हैं वो सब लोग आए थे, सब लोगों ने अपनी अपनी स्थिति से अवगत कराया है और हम लोग एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं और उस मेमोरेंडम के आधार पर वित्त मंत्री से भी मिलेंगे और कहेंगे प्री बजट का ये हमारा है। इससे आप ये बताइए कि पैसा देते हैं तो पैसा देने के बाद आप कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट के लिए अलग आप स्पेशल कंपोनेंट
फंड होता है। नहीं, सब प्लान में पैसा आता है सर, लेकिन उसको सड़क बनाने में और तमाम तरह के सब्सिडी में खर्च कर दिया जाता है, एससी एसटी ओबीसी के लिए खर्च ही नहीं होता। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो पैसा है शेड्यूल कास्ट के लिए, कहा जाता है सड़क बन गई क्या दलित इस पर नहीं चलेगा, फिर अलग पैसे देने की क्या जरूरत है। आप देते हैं दलित के नाम पर, आप पैसे का उपयोग सबके लिए कर रहे हैं, उस पैसे का उसका बंदरबाट कर रहे हैं। नहीं, तो इसलिए ना, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप और सोशल लीडरशिप दोनों जो है या तो नासमझ है या चुप्पी है या जानबूझ के भी लोग नहीं बोल रहे हैं। कहने में जरा सी भी दिलचस्पति नहीं, नासमझ नहीं है, लेकिन समझदारी के बावजूद उन दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, दलितों के नाम पर वोट लेते हैं, दलितों के नाम पर शासक वर्ग बनते हैं, लेकिन जिसकी वकालत कर कर करके वो शासक वर्ग तक पहुँचते हैं, सदन की शोभा बढ़ाते हैं, सदन में उस सवालों पर न चर्चा करते हैं, न उस सवालों को लेकर के उस दलितों के यहाँ जा कर के उसकी समीक्षा करते हैं या उसको कैसे प्राप्त हो जाए, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे बढ़े, शैक्षणिक स्थिति कैसे बढ़े, ये सवाल। इसीलिए मैं कहता हूँ, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान मैंने लिख दिया है, लेकिन संविधान अगर चलाने वालों की नीयत अगर साफ नहीं होगी तो एक कागज का टुकड़ा होगा। सैम जी, जो भी सरकार आई हो इस देश में, तो किसी की सरकार आई हो, जो सब पलान का पैसा है सब उसका दुरुपयोग कर, मैं तो कह रहा हूँ कि 75 साल की आजादी में के बाद जितनी भी सरकारें बनी है, मेरी भी पार्टी, मैं भी उसको शामिल करता हूँ, सभी पार्टियों ने शासन में भागीदारी करने का काम किया, लेकिन दलितों के डेवलपमेंट में कितनी भागीदारी थी, ये आज एक ज्वलंत सवाल है, और यही सवाल के लिए कल हम लोग बैठे थे। इसको घर कर लगता नहीं, ये बजट चूंकि अलग से पैसा आता है उस पर, उसको सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के घर बनाने, एजुकेशन, उनके बिजनेस पर ही खर्च करना, ये प्रावधान है सब प्लान का पैसा, लेकिन लोगों में जागरूक, अभी एक प्रधानमंत्री की योजना आई है, 1 करोड़ तक का लोन दे रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट को 35% सब्सिडी है, ओबीसी को 15% सब्सिडी है, शेड्यूल ट्राइब को 35% सब्सिडी है, महिलाओं को भी 25% सब्सिडी है, लेकिन हमारे लोग बैंक तक जाते हैं, बैंक का अधिकारी उससे बात ही नहीं करता है। कौन लोग दोषी है? वो आदमी जो लाइन लगा कर करके बैंक में खड़ा रहता है वो दोषी है? क्या उसका नेतृत्व करने वाला दोषी है, सरकार दोषी है, या जो ब्यूरोक्रेट में है वो दोषी है? ये तय करना होगा, और इसके लिए कहा गया है, गांधी ने भी कहा था और जयप्रकाश जी ने भी कहा था कि गंगोत्री है राजनीति का क्षेत्र, जो शासक है, जो सदन है, वो गंगोत्री है, अगर गंगोत्री के उद्भव स्थल को अगर चेक नहीं किया जाएगा तो सारी स्थिति खराब हो जाएगी। आज भी स्कूलों की स्थिति क्या है, हम जब जाते हैं सड़कों पर, हम पटना की बात करते हैं, पुल बन गए बड़े अच्छे अच्छे पुल, लेकिन पुल के नीचे जो लोग रह रहे हैं दिल मरमाहत हो जाता है, किस तरह बच्चे को लेकर करके किस तरह गुजारा करते हैं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, 5 किलो अनाज की बात कह दी गई, लेकिन 5 किलो अनाज 56 रुपये का दिया गया, 350 रुपये का झोला जिस पर नेताओं का फोटो, भाई 56 रुपये के अनाज देने के लिए आप 350 रुपया खर्चा कर रहे हो, ये दलित कैसे बदलेंगे हालात, बदलेंगे क्या करना हो? बदलेंगे जब तक दलित नेता अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे और अपने जो मुहिम है, जो सवाल है उस पर नहीं होंगे, और नहीं तो दलित का युवा आगे आएगा। आज कहा गया प्रकृति का भी है, न्यूटन का भी सिद्धांत है, जितना दबेगा उसके बाद वो उतनी बड़ी उछाल से आगे आएगा। हम निराशावादी नहीं है, हम आशावादी हैं। इस सरकार से उम्मीद है कि जो 23-24 का बजट आएगा, जिसके लिए आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, सरकार के साथ बातचीत भी करें, सामाजिक संगठन के तौर पर नेकडोर 20 इनिशिएटिव ले रही है, ये एक ठीक पहल होगी, कोशिश होगी कि कम से कम सरकार को आगाह किया जाए? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम आशावादी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहेंगे जो सरकार की मंशा सिर्फ दलितों को, ऐसे सभी दलों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा आज स्थिति जो आज सरकार है वो सरकार दलितों के बारे में सिर्फ सपने दिखाने का काम करती है, उसके लिए कुछ करती नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं वो खुद पिछड़े समाज से, वो किसी कीमत पर दलित वंचित शोषित समाज को अधिकार देना चाह रहे हैं, खूब मंत्री बना रहे हैं, भैया मंत्री बना, बिहार में दो दो पिछड़ा, मैं कह रहा हूँ कि मंत्री बनाने से क्या विकास हो जाएगा? गांव का जो दलित है, गांव का जो पिछड़ा है, गांव का जो आदिवासी है, उसका विकास नहीं होगा, मंत्री हो जाए तो विकास हो जाएगा? 8 साल से सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, 8 सालों में समीक्षा कर लें ईमानदारी के साथ गांव में जाकर करके। आपकी सरकार तो खूब नौकरियां बांट रही है, क्या ये तय हुआ कि बिहार में जो सब प्लान का पैसा, बिहार का जो बजट है सब प्लान का,
बिहार सरकार जो बनाती है वो कम से कम उचित जगह पर खर्च हो। ये तो समीक्षा करने की जरूरत है, आप खुद पत्रकार हैं, आप देख लीजिए, आप आंकड़े निकालिए। आजकल तो गूगल में सब पता चल जाता है कि सब प्लान का पैसा कहाँ जा रहा है। मैं क्यों कहूँ, ये तो जानने की चीज़ है। अगर जाया जाता है सब प्लान का पैसा तो स्कूलों की स्थिति जहाँ दलित बच्चे नहीं पढ़ रहे, 20 लाख रुपया दे करके प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन दे करके पढ़ाने की ताकत है दलितों के? जब ताकत नहीं है तो सरकार पिछड़ों को भी नहीं है। तो मैं पिछड़ा दलित में मैं पिछड़ा को भी दलित ही कहता हूँ। तो वो जो स्थिति है सरकारी स्कूल की, न मास्टर है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वहाँ का माहौल है, वहाँ शौचालय नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। तो ये सब बात पार्टी फोरम पर चर्चा हो रही है, क्या प्लान है? चूंकि देखिए दलगत युवा उप मुख्यमंत्री हैं। नहीं नहीं, दलगत मैं अभी बातचीत हमारी 1.5-2 महीने से मैं दूसरे परेशानी में झेल रहा हूँ, मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। इधर मैं अपने को उसका कारण पारिवारिक समस्या के कारण मैं थोड़ा कटा हुआ भी हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि इन चीज़ों पर जब तक नहीं सोचा जाएगा, सरकारें बनेगी, सरकारें बिगड़ेगी, फिर सरकारें बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, लेकिन जब तक उसकी हालात नहीं सुधरेगी तो मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, सरकार बनना कोई माने नहीं रखता। कैसे देख रहे हैं आप जो बिहार को लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी हो रही है, बीजेपी की कोशिश है कि SC ST OBC को अपने साथ लाया जाए? देखिए जो शोषक रहा है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, उसके जो मुख्य RSS का क्या इतिहास रहा है, वो तो दलितों के खिलाफ रहा है शुरू से, बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे रूप से खिलाफ रहा, जिसका मूल जो रहा है, मूल जो गोत्र कहा जाता है RSS, जब वही दलित पिछड़ा के खिलाफ रहा है, तो एक व्यक्ति को पिछड़ा को प्रधानमंत्री बना देने से उसकी मानसिकता बदल गई क्या? नहीं, लेकिन सरकार तो मोदी जी की चल रही है ना, लोग कह रहे हैं कि RSS से उनकी बन नहीं रही है, अभी सुब्रमण्यम स्वामी उनके पीछे पड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी SC ST OBC को अधिकार देना चाह रहे हैं। ये सब स्ट्रेटजी है जनता को मूर्ख बनाने के लिए। अगर ऐसा है तो मोदी जी ने क्यों नहीं उसके लिए कल्याण किया? 8 वर्षों में कितना डेवलपमेंट हुआ दलितों का, कितने दलित बच्चे बच्चियाँ की शिक्षा के क्षेत्र में, अभी कुपोषण का क्यों बढ़ते जा रहा है? दलित बच्चे बच्चियों में कुपोषण का शिकार ज़्यादा होते जा रहे हैं क्यों? आप अगर 8 साल से काम कर रहे हैं तो 8 साल में कुपोषण का संख्या तो घटा नहीं बल्कि बढ़ रहा है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था उस समय की स्थिति और बाबा साहब के समय की स्थिति, आज इतनी ही बड़ी खाई हो गई है कि आज स्थितियाँ और ख़राब होती जा रही है। क्या बात करते हैं, कौन दोषी है इसके लिए? दोषी हम सब हैं, हम सब दोषी हैं, लेकिन दोष ढूंढने से ज़्यादा उसका समाधान ढूंढना हमें है, और समाधान करके उसका कार्यान्वयन करना है। उस घर तक अगर हम उस राशि को नहीं पहुंचाएंगे, उनके सही रूप से वास्तविक रूप से उनको एहसास नहीं कराएंगे, तो एक बड़ा विस्फोट होगा। और मैं बार बार कहता हूँ, आपके यहाँ भी कई बार बोला हूँ, ये देश जो है वो देश दिलों का देश है, ये मानचित्र जो बना है वो मानचित्र कागजी नहीं है, लोगों का दिल उसमें दलित का भी दिल है, ये सब जुड़ा हुआ है। जिस दिन दलितों का जब पैमाना छलकेगा और विस्फोट होगा तो देश को भी तोड़ने से कोई बचा नहीं सकता है। तो ये श्याम रजक हैं और दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है बजट को लेकर। सोचिए, एक बड़ा मसला है, जब तक आर्थिक रूप से शोषित वंचित समाज के लोग मजबूत नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, तब तक उनकी राजनीतिक भागीदारी भी उतना मजबूत नहीं हो पाएगी, सामाजिक भागीदारी भी मजबूत नहीं हो पाएगी, आर्थिक मजबूती भी एक बड़ा मसला है। डेमोक्रेसी हो गई, वोट का अधिकार मिल गया, बाबा साहब ने उस समय संसद में कहा था कि हम एक ऐसे सिस्टम में जा रहे हैं जहाँ राजनीतिक हिस्सेदारी तो बन रही है लेकिन सामाजिक और आर्थिक जो हिस्सेदारी है वो उसके अंदर जो बहुत बड़ी खाई है, इसे पाटने की ज़रूरत है। और सोचिए, आज भी आज़ादी के 75 साल बाद, पीछे की चीज़ों को छोड़ दे तो जिनके पास ज़मीन नहीं है वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पिछड़े हैं, फिर आदिवासी हैं, जिनके पास बिजनेस नहीं है, नौकरियां नहीं है, लाचारी, बेवसी, गरीबी है, सबकी इस देश में जाती है। और ज़रूरत है कि जो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के कम से कम नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो इन सब पहलुओं पर बात करें। और उसी कड़ी में एक दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी नैकडोर की, जिसमें प्रोफेसर रतन लाल भी शामिल थे, अशोक भारती भी थे, और श्याम रजक खास मेहमान थे, वो पटना से चलकर आए थे।
और इन लोगों की कोशिश है कि जो सब प्लान का पैसा है जो एससी एसटी के उसकी संख्या के हिसाब से जो केंद्र के बजट में और स्टेट के बजट में प्रावधान होता है उसको कम से कम सही लोगों तक पहुंचाया जाए। ये एक बड़ी कोशिश है, राजनीति के इतर आपको सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा तभी जाकर इस बहुजन समाज की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सुखिया सर हमसे बातचीत, धन्यवाद आपको। जय भी। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।